हाय स्टूडेंट, ये भिडियो में मैथमेटिक्स प्रिवियर क्वेश्चन 2018 रो 8 अगस्ट बैच 3 रो क्वेश्चन देखिवा। देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन पीडीएफ समझ थी, क्वेश्चन साइज तो डिमिनिश्ड भी अच्छी, तुम्हें क्वेश्चन सेट देखो सल्यूशन सेट देखिपर तू है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन दि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, रिलेशन डिफाइन हो नेचुरल नंबर सेट उपर डिफाइंड रिलेशनटा कौन अच्छी ना एक्स टू वाई ये किसी अच्छी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू 108। द रिलेशंस आर गिवेन एज ए नंबर सब दे गोटे ए ऑप्शन दे कौन कहल एम लिखी देख 3/2 आर 4 2 3/8। मुझे गोटे बुझे दूसरी यार अर्थ हो जिते तुम्हें एक्स टू वाई रिलेशन कथा कहुच ना द रिलेशंस आर गिवेन एज ए बी सी डी देची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोले ये गोटे लिखाई ना स्टेटमेंट एमती एक्स आर वाई यार मीनिंग कौन ये अच्छी एक्स जगह ये अच्छी वाई जगह बुझे तुम्हें जो लिखाई एक्स आर वाई क्वेश्चन तार मीनिंग हूँ रिलेशन हो एक्स टू वाई तो ये एक्स जगह पुट कर 3/2 र स्क्वायर हो प्लस 2 × y जगह पुट कर 4 2 3/8 आ चेक कर रिजल्ट तुमको 108 दौर कि ना जदि दे ताले सेटा कौन हम तुम्हारे मान सैटिस्फाई कर रिलेशन बोली किंतु गोटे कथा देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन तुम तो चार्टा ऑप्शन देजी ना मत ये पुट करिया को आवश्यक पड़ोनि कहीं कह देख लो देखो मत चार्टा ऑप्शन एया देजी गोटे देखी आर 3/2 एट लिखी 4 2 3/8 यहाँ गोटे लिखी सेकेंड 10 r 4 देजी 12 r-18 देजी आ गोटे 9 r 15 देजी ये स्टेटमेंट लिखी नेचुरल नंबर पर डिफाइन है ना तो नेचुरल नंबर सेट रे को मान था नेचुरल नंबर सेट रे नेचुरल नंबर सेट रे को मान था 1 2 3 ऑनवर्ड्स 0 नथिबे कि नेगेटिव नथिबे कि फ्रैक्शन भी नथिबे तो ये एक्स वाई तो फ्रैक्शन ले तो ये ऑप्शन हम ना ये जो ए ऑप्शन टी कैनसल है हाँ बी ऑप्शन हो पारे बस आम चेक करवा सी ऑप्शन भी कैनसल हो कारण 12 आउ -18 अच्छी -18 के आसो ना नेचुरल नंबर में तो सी ऑप्शन भी कट हाँ बाकी डी देना 9 r 15 हाँ यहाँ भी हो पाए तो आम चेक करवा केवल बी ऑप्शन को डी ऑप्शन को कारण एम केवल नेचुरल नंबर से अच्छा जो सैटिस्फाई कर ठीक अच्छे तो आम चेक करवा क्या बी रे जो क्वेश्चन अच्छे तुम क्वेश्चन तुम पाखे थी चेक कर जब ये देखा जाऊ ना ठीक से क्वेश्चन ठीक अच्छे देख बी ऑप्शन रे कौन देखिए आमको बी ऑप्शन कही 9 r 15 तो 9 r² प्लस 2 × 15 कौन आस 9 r² आस 81 15 × 2 के 30 तो यहाँ एड कले 1 1 1 1 कि आसवा कथा के आउटपुट 108 मैच है लगी ना तो ए ऑप्शन भी हम ना क्लियर बाकी रहा 10 r 4 अच्छी गोटे गोटे अच्छी कौन 10 r 4 तो पुट कर सही भाई एक्स जगह 10 r² प्लस 2 × 4 10 r² तो 100 प्लस यहाँ देखा जाटा हिं हम 108 आस जाऊँ कि ना देखो सैटिस्फाई करूँ 10 r 4 मीन्स एक्स हुए हुए एक्स इज 10 वाई इज 4 सैटिस्फाइंग द रिलेसन तो यहाँ कौन ऑप्शन अच्छे देख 10 r 4टा बी रे अच्छी तो ओनली बी इज करेक्ट ओनली बी इज करेक्ट मैंने ऑप्शन सी रे अच्छी क्लीयर एथर 71 और राइट आंसर को सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:3:5 तो ए बी और सी रो रेशियो अच्छी 2:3:5 बुझे इफ ए सैलरी इज इनक्रीज बाय 15% सपोज यटा को मु एक्स बोली मान लो छे ना 2x 3x 5x तार 15% इनक्रीज है मानने 100 रो 15% मीन आपको मुझे लिखिपरि ना 115/100 × 2x यहाँ ए रो सैलरी इनक्रीज है इज 2। सिमिलरली बी रो सैलरी इज डिक्रीज बाय 10 मानने 100 रो 10 - 90 तो 90/100 × 3x इज 2। नेक्स्ट दी सी रो सैलरी इनक्रीज हो 20 मीनस यहाँ हो 120/100 × 5x आंकर रेसीो पचार तो सब 100 100 मुझे कैनसल कर तुम एक्स एक्स भी कैनसल कली कैलकुलेसन बुझे
तो तुम बाहर कौन आसला एटा मल्टीप्लाई कर आसो 230 एटा मल्टीप्लाई आसो 270 एटा आसो 600 एटा 120 थी ना 600 तो सब गोटे शून्य भी जीरो भी कैनसल कर दि आसो 23:27:60 23:27:60 देख ऑप्शन डी रे अच्छी तेणु डी हम करेक्ट आंसर क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा इनविजुअल मुझे लिखिद लॉग ई एक्स अच्छी प्लस लॉग ई वन प्लस एक्स अच्छी इक्वल टू जीरो तो ये सामान बेस अच्छी तो मुझे लिखिपरि कि लॉग ई एक्स इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाइज लिखिहब एक्स इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू ई टू दि पावर जीरो दैट इज योर वन मल्टीप्लाई कले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल जीरो राइट आंसर पचार कौटा स्टेटमेंट करेक्ट हम तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अच्छी ऑप्शन बी रे चेक कर करेक्ट आंसर क्लियर। नेक्स्ट इन ए रोम्बस ए डायगोनल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द रोम्बस पचार सपोज आम पाखे गोटे रोम्बस अच्छी ठीक अच्छे तर सी डायगोनल सपोज लेंथ देते आमको 6 है डायगोनल ए आउ सी आम देते 6 ए सी देखिए 6 आउ लेंथ साइड ऑफ लेंथ ए बी आम देते 5 कौन एरिया ऑफ द रोम्बस कैलकुलेट करो तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला आम जानचे हाफ इंटु डायगोनल वन इंटु डायगोनल टू कि आमको ये गोटे डायगोनल देके ना तो सपोज मुझे पार्टा को जॉइन करदे ये पार्टा को आ गए डायगोनल को जॉइन कली आम जानचे दुईटा डायगोनल कौन करती बाइसेक्ट करती मैंने जब यहाँ ओ पॉइंट कट कले आमको कौन देता आमको दे कि ए सीटा 6 ते ओटा के ए 3 हो सी भी 3 हो हाँ कि नहीं आउ डायगोनल मैंने बाइसेक्ट करती आउ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती अर्थात एवं ए ओ बीटा राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं ये किसी है ना ए ओ बी है सेठू ओ ए अच्छी 3 ए बी अच्छी 5 ताले कह बी ओटा के 4 आसो कहीं पाइथागोरस फॉर्मूला 3 4 5 जब बी ओटा 4 आसला ये पार्टा जब 4 आसला 4 जब बी ओ 4 तेल मुझे लिखिपरि ये ना दे डी बी डीटा हो 4:2 8 हम कि ना कारण बाइसेट करती पूरा ये 4 हेल्ले ओ डी भी 4 हम ना तो 4 4 8 हो गला तो डायगोनल 6 और 8 मिलला तो एरिया कौन हम हाफ इंटु 6:8 तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर 74 हम 24 राइट आंसर सी क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट कही कि द वैल्यू ऑफ एक्स बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इट दे 4x² तो ए रो वैल्यू हो 4 बी हो 36 आउ सी दे 81 तो सॉल्व करी कारण सॉल्व कौन था फॉर्मूला नंबर कौन था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ऑफ डिवाइड बाय 2 मुझे सब तुमको कहि सल्यूसन करने आगू आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू चेक कर जहाँ आम डिस्क्रिमिनेंट कहे कहीं जदि यहाँ जीरो होगा तो इक्वाल रुट्स आसो जदि नेगेटिव आसी जाए सल्यूसन मिल ही ना ये सल्यूसन मिल किसी लिखी ना ऑप्शन रे फिर भी चेक कर 36 रो स्क्वायर माइनस 4 × a × c हो 81 36 रो स्क्वायर आसो 1296 माइनस आपको मल्टीप्लाय 16 × 81 करवा तो 16 × 81 कले 6 848 49 4 12 ये भी आसो 1296 तो आंसर 0 होगा क्लीयर बी स्क्वायर माइनस 4 = 0 मान यही पार्टा 0 होगा बोले तो तुम पाखे आंसर कौन आसो आंसर आसो माइनस बी बाय 2a तो वैल्यू पुट कर दियो माइनस 36 बीटा अच्छे ना 36 बोली बाय 2 × a मीनस 4 कैनसल कले 9 दैट इज आंसर आसो माइनस 9/2 जेहेतु डिस्क्रिमिनेंट 0
इक्वल रूट्स माने माइनस नाइन बाय टू माइनस नाइन बाय टू राइट आंसर 75 डी हम करेक्ट आंसर क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 तो यूँ आम कहार वैल्यू जाना ना केवल साइन 30 वैल्यू जाना अच्छी तो साइन 30 वैल्यू हाफ इंटू साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 देख मु फास्ट फास्ट लास्ट दिटा सॉल्व करुच्ची तो वन बाय टू रहा इंटू साइन 10 ये मुझे लिखिपर हाफ इंटू टू साइन 50 इंटू साइन 70 एमती कहीं लिखुची ये फॉर्मूला मुझे पुट करी टू साइन ए इंटू साइन बी आगे फॉर्मूला नोट कर दियो जो मैंने जान नथिबो टू साइन ए इंटू साइन बी रो फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइन टू साइन ए बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आपको नोट करेंगे इंपोर्टेंट फॉर्मूला एटा ठीक अच्छे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आमर ए के 50 बी के 70 बस ए फॉर्मूला पुट हम तो नोट कर लो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करुच्ची तो देखो क्या बदल फॉर्मूला पुट हम ये टू साइन ए इंटू साइन बी बदल तो ये हाफ टाक मल्टीप्लाई कर दूसरी लेफ्ट साइड हाफ सहित यहाँ जो वन बै फोर साइन 10 देन फॉर्मूला पुट हम कहली तो मैं कौन लिखा एमतीका कॉस ए माइनस बी माने 50 माइनस 70 आसो माइनस 20 कॉस ऑफ माइनस 20 टा कॉस 20 सहित सामान क्लियर देन माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी मीन्स 70 प्लस 50 कैसे 120 एतिक आसो अच्छा बोले कॉस 120 टा के लिखिपर कॉस 90 प्लस 30 हाँ कि नहीं कॉस 90 प्लस 30 के सेकेंड क्वाड्रेंट कॉसटा नेगेटिव तो माइनस रे आसीबो 90 जेतु छि चेंज हबो का पाकु साइन 30 पाकु तो माइनस साइन 30 तो कॉस 120 जगह रे मु डायरेक्ट लिखु छि माइनस साइन 30 क्लियर को लिखु छि माइनस माइनस साइन 30 तो कोन हे जीवो 1/4 साइन 10 एटा गला कॉस 20 माइनस माइनस प्लस साइन 30 क्लियर साइन 30 वैल्यू कते हाफ पुणी पुट कर दिए हाफ मल्टीप्लाई कर दिए कौन आस बाय फोर साइन 10 कॉस 20 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई हेले साइन 10 पुणी आगे फर्दर सॉल्व हबो क्वेश्चन टिके लेंथी अच्छी टू टाइम्स फॉर्मूला यूज हबो बस आउ किछ नाही देखो एति जे आमे बुझ सारी जे ए स्टेप को सॉल्व करिया पुणी तो देख ये मुझे लिखिपर कि 1/4 इंटू 1/2 इंटु 2 पुणी लिखिली कहीं कौन अच्छी ना साइन 10 इंटु कॉस 20 आ बाकी बाहर अच्छी 1/8 साइन 10 लिखी कि ना एमती का 1/2 मल्टीप्लाई कली 2 मल्टीप्लाई कली एमती कली कहीं या जगह पुणी फॉर्मूला पड़ो 2 साइन ए इंटु कॉस बी 2 साइन ए टू साइन ए इंटू कॉस बी तो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला जिते जल्दी मन रखीदेव क्वेश्चन तुमको देखा यूज करने साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ए फॉर्मूला यूज करी नोट कर लो तो फॉर्मूला कौन हो देख ताले 1/4 तो बाहर था सरी देख आमको ए फॉर्मूला पुट करा कहली एत जगह तो बाकी 1/2 टा मल्टीप्लाई कर दूसरी 1/8 हो बस फॉर्मूला पुट कर दियो 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी तो साइन ए प्लस बी मीन्स 20 प्लस 30 सर 20 प्लस 10 30 प्लस साइन ए माइनस बी मीन्स साइन 10 माइनस 20 के माइनस 10 ये अच्छे प्लस 1/8 साइन 10 मल्टीप्लाई कर दियो 1/8 साइन 30 पहले साइन ऑफ माइनस थीटा कहते हुए माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन 10 आसो किंतु बाहर 1/8 अच्छी ना तो आस माइनस 1/8 साइन 10 और लास्ट अच्छी 1/8 साइन 10
ये कैंसल हो जाए। क्लियर, बस बुझे ट्राए कर। बाकी रहा वन बै एट साइन थर्टी वैल्यू के वन बै टू तो आसला वन बै सिक्सटीन ऑप्शन बी करेक्ट 76 बी से राइट आंसर हो। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग वाई एक्स इक्वल 100 लॉग एक्स बेस्ट इक्वल 10 देन वैल्यू ऑफ वाई पचारे हमको। तो देखो ये हमको लॉग वाई बेस एक्स दीजिए 100 तो मुझे लिख पारि एक्स टू दि पावर 100 हूँ वाई हला। सेकेंड स्टेटमेंट लिखी लॉग एक्स बेस 3 10 तो मुझे लिखिपरि 3 to the power 10 इज एक्स पचार वैल्यू ऑफ वाई ना तो एबे एठी एक्स टू दि पावर 100 इक्वल टू वाई 3 to the power 10 इक्वल टू एक्स ताले ए एक्स रो वैल्यू एठी मुझे पुट करी एक्स जगह के पक 3 to the power 10 होल टू दि पावर 100 इक्वल टू वाई हम कि नहीं रे एक्स जगह 3 to the power 10 लिखली तेल कौन आसा 3 to the power 1000 हम कि नहीं मल्टीप्लाई हो जाए 110 तो 3 to the power 1000 आसा कह रैल्यू वाई रैल्यू आमको पचार वैल्यू ऑफ वाई तो ऑप्शन हो 77 रो बी हम करेक्ट आंसर जो अच्छे 3 to the power 1000। क्लियर, नेक्स्ट कहे कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कहे ए यूनियन बी जहाँ आसो ए इंटरसेक्शन बी ता आसार मिनिंग कौन हम दुईटा को सेट इक्वल होते सेत बड़े हम जाए गोटे ही कैसे तुम डायरेक्ट वेरीफाई कर पार एग्जांपल नहीं कि 1 2 3 बी सेट ए बी सी ओ सॉरी बी भी आसो 1 2 3 ना इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के आस 1 2 3 ए इंटरसेक्शन बी के आस 1 2 3 हम कि नहीं। क्लियर 79 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2, 2:3 इफ दर एच सी एफ इज 13 एल सी एम के हम कही तीन टा नंबर अच्छी 1:2, 2:3 तो एच सी एफ 13 सपोज ये गोटे हूँ एक्स यहाँ हूँ 2x यहाँ हूँ 3x एच सी एफ कमी कैलकुलेट कर कौन पड़ो एक्स पड़ो एक्स पड़े 1 टू एटा के 3 आदि किसी पड़े ना तो एच सी एफ के आसला एच सी एफ आसला एक्स आसा के क्वेश्चन रे 13 तो सिंपल मीनिंग हूँ से नंबर का किए गोटे 13 आ गए 13 2 26 आउ गोटे 39 पचार एल सी एम कैलकुलेट करो तो 13 पुट करो 1 2 3 एल सी एम कौन हो 13 × 1 × 2 × 3 3 26 3 78 हम करेक्ट आंसर 79 सी। क्लियर किसी ना क्वेश्चन इजी क्वेश्चन इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 3 द इक्वेशन हूज रूट्स आर 1/2 and 1/3 आमर फास्ट स्टेटमेंट सहित किसी मतलब ना इक्वेशन पचार जब रूट्सटा 1/2 1/3 हुए आम कौन जानचे एक्स स्क्वेयर माइनस आल्फा प्लस बीटा इंटु एक्स प्लस आल्फा बीटा इक्वल जीरो यहाँ हम इक्वेशन जब आमको आल्फा और बीटा गिभेन थाए आमको आल्फा बीटा गिभेन अच्छे कि हाँ गोटे दीजिए 1/2 गोटे दीजिए 1/3 तो जब आल्फा 1/2 बीटा 1/3 तुम आगे कैलकुलेट कर दि आल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/3 नो डाउट 5/6 आसो और आल्फा इंटु बीटा आसो 1/2 × 1/3 1/6 पुट कर दियो सही इक्वेशन रे इक्वेशन रे कौन आसो ताले एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x + 1/6 इक्वल टू 0 तो ये जो 6x² - 5x + 1 इक्वल टू 0 6x² - 5x + 1 तो यहाँ हूँ 18 नंबर रो डी इटा करेक्ट हो। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आउ दुईटा ऑप्शन थिला ये ऑप्शन छोटो अच्छे एक्चुअली आउ दुईटा ऑप्शन भी अच्छे
टू आउ फोर बाय थ्री अच्छे क्लीयर ये सी अप्सन में टू रखीद गोटे फोर बाय थ्री अच्छे सी आउ डी एटा सी रे अच्छे ये मेनसन करदे सी अप्सन हो टू आउ डी अप्सन हो फोर बाय थ्री एक्चुअली। चलो क्वेश्चन देखो एट टू दि पावर एक्सप्लोसन माइनस एट टू दि पावर एक्स माइनस वन इक्वाल वन ट्वेंटी सिक्स अच्छा एट टू दि पावर एक्सप्लोसन को लिखिपरि एट टू दि पावर एक्स इंटू एट माइनस एट टू दि पावर एक्स माइनस वन को लिखी बै एट इक्वाल टू के वन टू सिक्स लिखे किसी असुविधा ना क्लीयर। तो आमको कही कि फाइंड द भैल्यू अफ एक्स एट मुझे एट टू दि पावर एक्स कमन नहीं गली कौन हम तेल एट माइनस वन बै एट इक्वाल टू के वन टू सिक्स जस्ट सल्व करो ये आसो के सिक्सटी फोर माइनस वन बै एट इक्वाल टू वन ट्वेंटी सिक्स दैट इम्प्लाइज एट टू दि पावर एक्स इक्वाल टू वन ट्वेंटी सिक्स इंटू एट बै सिक्सटी थ्री आसो तो सिक्सटी थ्री कैनसल टू आस टू इंटु एट के सिक्सटीन हाँ कि नहीं टू थ्री सौ हाँ एट इंटु टू आस सिक्सटीन तो एट टू दि पावर एक्सटा एट टू दि पावर एक्सटा सिक्सटीन मुझे लिखिपरि एट को टू र्यूब हल एक्स इक्वाल टू टू रवर फोर टू रवर थ्री एक्स इक्वाल टू फोर सरी टू टू दि पावर फोर तेल कौन आसला बाहर कनक्लूजन बेस इक्वाल अच्छी तो मुझे लिखिपरि एक्सपोनेंट को इक्वाल थ्री एक्स इक्वाल टू फोर तेल एक्स इक्वाल टू फोर बाय थ्री हम कि नहीं बस आ कि ना किसी भी नुआ मेथड ना एक्स इक्वाल फोर बाय थ्री ऑप्शन डी रे जोड़ा थिला मैच करियो क्वेश्चन सहित यहाँ हम करेक्ट आंसर क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री टाइम्स द फास्ट ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज थ्री मोर देन द ट्वाइस द थर्ड द सेकेंड एंड थर्ड इंटीजर्स आर रेस्पेक्टिवली तुम क्वेश्चन टी बुझे पड़ो कही कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स मैंने सपोज गोटे वन है ऑड इंटीजर या कंजिक्यूटिव मान या कंजिक्यूटिव किए हम थ्री मैंने वन रु थ्री को गैप कैसे हो प्लस टू पुणी थ्री पर किए फाइव प्लस टू तो गोटे जेकोसी इंटीजर में जेकोसी ऑड इंटीजर आम जब प्लस टू एड करुचे से नेक्स्ट ऑड इंटीजर पाखक जीव तो कही फास्ट थ्री कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर सपोज गोटे अच्छी एक्स मानिक नौ एक्सटा गोटे ऑड इंटीजर तापर ऑड इंटीजर किए आसो एक्स प्लस टू तापर किए आसो एक्स प्लस फोर अरे एक्स प्लस टू थी ना पुणी प्लस टू भी थी एक्स प्लस फोर आसो हाँ कि नहीं तो कही कि थ्री टाइम्स तो फास्ट ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर थ्री टाइम्स मैंने थ्री मल्टीप्लाई हे क्या सहित ना फास्ट जी अच्छी किए अच्छी फास्ट एक्स सहित हाँ कि नहीं से कही इज इक्वाल टू इज मीन इक्वाल टू थ्री मोर देन मैंने प्लस थ्री है थ्री मोर देन ट्वाइस दि थर्ड थर्ड रे किए अच्छी एक्स प्लस फोर रो ट्वाइस किए अच्छी टू टाइम्स बस यहाँ हूँ इक्वेशन कही सेकेंड आउ थर्ड इंटीजर किए सॉल्व कर दियो थ्री एक्स इक्वाल टू टू एक्स प्लस एट प्लस थ्री थ्री एक्स माइनस टू एक्स इक्वाल टू इलेवेन एक्स इक्वाल टू इलेवेन मतलब नंबर गुड़ा कि मिले ये चेक कर दियो गोटे हूँ इलेवेन आउ गोटे थर्टिन आउ गोटे फिफ्टीन सी कही लास्ट दुईटा सेकेंड आउ थर्ड किए हे थर्टिन आउ फिफ्टीन ऑप्शन सी रे अच्छी क्लियर। नेक्स्ट कही कि लिस्ट वैल्यू ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रे अच्छी साइन स्क्वायर रो आ कॉस स्क्वायर रे अच्छी तो फास्ट कथा मुझे गोटे वेरिएबल को आनी मीन्स गोटे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आनी तो टू साइन स्क्वायर थीटा को मुझे लिखिपरि टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा जस्ट आपको सॉल्व फास्ट कर दियो अरे जो टू इंटू माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा अर्थात तुम क्वेश्चन जहाँ भी गिवेन थिला सेटा समान हो गला कहा सहित ना टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सहित आम जाने कॉस स्क्वायर थीटा एट स्क्वायर अच्छी ना स्क्वायर के नेगेटिव होबनी कॉस थीटार मिनिमम वैल्यू माइनस वन मैक्सिमम वैल्यू वन किंतु स्क्वायर जेहेतु अच्छी मिनिमम वैल्यू जीरो कॉस स्क्वायर थीटा वन कॉस स्क्वायर थीटार मिनिमम वैल्यू लिस्ट वैल्यू जीरो मैक्सिमम वैल्यू वन को केबे पारेबो ना जम्प करिवो ना किंतु एटी तो कॉस स्क्वायर थीटा ना कौन अच्छी टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो सबुठी टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एड मैं सरी टू एड कर दियो अरे एटी टू एड करी तो एटी भी तो करी ना वन प्लस टू
एठी भी कोई ना जीरो प्लस टू, तो जीरो प्लस टा के हम टू वन प्लस टू के हम थ्री। तो लिस्ट कही मैंने एफ सैडटा के लिस्ट वैल्यू टू एट्टी थ्री ए। क्लीयर नेक्स्ट नेक्स्ट कही कि द वैल्यू ऑफ साइन फिफ्टी माइनस साइन सेवेंटी प्लस साइन टेन। तो देखा साइन फिफ्टी माइनस साइन सेवेंटी मुझ साइन सी माइनस साइन डी फर्मुला पकेबी। फर्मुला हूँ टू कॉस सी प्लस डी बस तुम कौ साइन ए माइनस बी जब कौ साइन ए माइनस साइन बी टू कॉस एम लिखिद। चलो साइन ए माइनस साइन बी फर्मुला साइन 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 इंटू साइन बी टू साइन ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस साइन बी साइन सॉरी भूल है साइन ए माइनस अच्छी तो माइनस रे हुए सॉरी सॉरी साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी साइन इंटु कॉस बी माइनस कॉस सी इंटू साइन बी कॉस सी इंटू साइन बी आसो मीन से आसो फर्मुला हूँ पे मन रख टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटु साइन ए माइनस बी बाय टू यहाँ तार फर्मुला ठीक अच्छे टू कॉस ए इंटु कॉस बी हाँ टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटु साइन ए माइनस बी टू यहाँ से फर्मुला मुझे ही यूज करी ये तो नोट कल फर्मुला डायरेक्ट यूज करूँ साइन फिफ्टी माइनस सेवेन्टी अच्छी तो ए जगार फिफ्टी बी जगार के सेवेन्टी तो हो टू कॉस सी प्लस सॉरी ए प्लस बी मैंने फिफ्टी प्लस सेवेन्टी के 120 बाय टू। नेक्स्ट हूँ साइन ए माइनस बी तो 50 माइनस 70 बाय टू तो देख यहाँ टू कॉस एटा के 60 आसो इंटु साइन 50 माइनस 70 के आसो माइनस 20 बाय टू तो माइनस 10 मुझे ना साइन ऑफ माइनस 10 टा के हुए माइनस लिखिद साइन ऑफ माइनस 10। क्लियर तो एति कि राइट साइड के आहरी क्वेश्चन इटसेल्फ साइन टेन गिवेन अच्छे तो देख ये साइन माइनसटा बाहर को पड़े आसो माइनस टू हो कॉस 60 वैल्यू हाफ आउ साइन 10 ये अच्छे प्लस साइन 10 टू टू कैनसल तो रिमेनिंग टर्म है माइनस साइन 10 प्लस साइन 10 जीरो ऑप्शन डी। क्लियर नेक्स्ट कोई लॉगरिथम ऑफ वाई जेड ऑफ बेस एक्स तो कौन हम यहाँ आपको कौन लिख लॉग वाई बेस एक्स प्लस लॉग जेड बेस एक्स सेटा पचार लॉगरिथम टू द बेस एक्स ऑफ वाई लॉगरिथम टू द बेस एक्स ऑफ जेड तो 85 रो ए स्टेटमेंट सैटिस्फाई करुच्छी बाकी ऑप्शन सैटिस्फाई माइनस तो आसो ना। क्लियर तो यहाँ स्टेटमेंट एटा ही करेक्ट हम। नेक्स्ट नेक्स्ट 86 कही मेन स्टैंडिंग एट ए पॉइंट पी इज वाचिंग द टॉप ऑफ ए टावर व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विथ द मेन्स आए जी गोटे मेन ढड़ा ही टावर अच्छी टावर से टॉप पोर्शन मैंने ए आउ बी रे टॉप हूँ ए से गुटाक देखुची एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री द मेन वॉक्स सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द टावर मैंने बी आड़ मूव कला किसी डिस्टेंस सोचा पॉइंट पी टुवर्ड्स द टावर ऑफ टू वाच हिज टॉप एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 तो एक्जाक्टली यही पोजिशन आसला को एंगल ऑफ एलिवेशन के 60 द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट पी मैंने बी आउ पी पी आउ बी रो डिस्टेंस पचार तुम्हें फोन लगाओ 10-30 10-60 किसी भी देख ये आमको किसी भी डाटा देनी मैंने कौन कहल ना टावर हाइट देची ना आमको पी एक्स देची ना बी एक्स देची सिंगल किसी भी न्यूमेरिकल डाटा देनी केवल एंगल ऑफ एलिवेशन देची केस्रे सल्यूशन पॉसिबल हम ना बिल्कुल भी हम ना जेको गोटे फास्ट वैल्यू दरकार ना मैं कमी रिलेट कर निजे सल्व कर दुईटा को भेरिएबल हो सल्व के हम ना नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन दे गोटे ऑप्शन से ठीक कही डी ऑप्शन करेक्ट एर। क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
नेचुरल नंबर सेट कथा कहा रिलेशन डिफाइन है देखा क्वेश्चन नेचुरल नंबर सेट कथा कहा देन रिलेशन डिफाइन है आई टू बी दैट ए प्लस बी इक्वल टू सेवेन तर रिलेशन जो डिफाइन है सेटा सिमेट्रिक कि रिफ्लेक्सिव कि इक्वालेंस कौन कह देख फास्ट कथा कही ए प्लस बी इक्वल टू सेवेन रिफ्लेक्सिव मीनिंग कौन रिफ्लेक्सिव एमती है ना ए कमा ए माने एमती दुटा नंबर नियो जहाँ को दुटा सामान नंबर नियो जहाँ को एड कले सेवेन आसो सर वन वन मिसले के सेवेन है कि टू टू के सेवेन है कि ना हे ना सर थ्री पॉइंट फाइव आ थ्री पॉइंट फाइव मिसले सेवेन हो पारे हाँ हो पारे किंतु थ्री पॉइंट फाइव गोटे नेचुराल नंबर कि सेटा डिफाइन नेचुराल नंबर गुट ना तो रिफ्लेक्सिव प्रश्न ही ना तो रिफ्लेक्सिव प्रश्न ना मैंने इक्विवेलेंस प्रश्न ना क्लियर बाकी रहा सिमेट्रिक हो पारे कि आ ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कथा कहनी सिमेट्रिक कथा कहे तो हो पारे वन सिक्स देख बोले रिफ्लेक्सिव है इक्विवेलेंस है रिफ्लेक्सिव है बाकी सिमेट्रिक अच्छी वन सिक्स सिक्स वन हो पारे कि ना थ्री फोर फोर थ्री एटा तो हूँ सिमेट्रिक तो ऑप्शन ए करेक्ट क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट 88 इफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन एक्स माइनस ए हेज ए रिमाइंडर वन व्वेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन तो एक्स प्लस वन डिवाइड करो ताको जीरो पुट करो तो एक्स वैल्यू के आस माइनस वन तो सी कहते से पल्लम तुम माइनस वन पुट करुच तार रिमाइंडर तुमको वन मिल तो पुट कर चेक कर दियो आम कौन दे एक्स स्क्वायर मैंने माइनस वन स्क्वायर माइनस सेवेन इंटु एक्स माइनस वन माइनस ए इक्वल टू वन माइनस वन स्क्वायर वन प्लस सेभेन माइनस ए इक्वल टू वन ताले एटा केते ही जीवो ए केते ही जीवो सेभेन बस 88 ए करेक्ट सॉल्व करिवो ए रे वैल्यूटी सेभेन ही आसीबो ठीक अछि नेक्स्ट इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल मेजर्स 12 16 और 20 देन द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल आइसोस्केल ऑब्ट्यूस राइट एंगल तुमको साइड दे कि जदि एंगल कौन एंगल ट्रायंगल हो पचार बुझे थी जियोमेट्री क्लास रे भी ताकु ए तीन टा साइड नहीं जीवो ए बी और सी आपको माने बॉर्डर सान लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर रे ए कि एठी हो जीवो ताले 20 बी नेली मु 16 सी नेली 12 तापर कौन करिवो 20 रो स्क्वायर केते ए डायरेक्ट कर छी 20 रो स्क्वायर 400 षोह स्क्वायर 256 बार स्क्वायर 144 तो देखो जदि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुए ताले राइट एंगल ट्रायंगल जदि ए स्क्वायरटा ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जदि ए स्क्वायरटा लेस देन हुए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोले कहूँ क्लियर तो 256 प्लस 144 मिसेले कौन हो देख 400 हो तुम भेरीफाई भी कर पार दुटा स्क्वायर मिसिक होने गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ डी ऑप्शन टी करेक्ट है तुम राइट हाइपोथेरस पाइथागोरस फॉर्मूला पुट कर दबो मु कहीं मेथड कहली तुम ये पाइथागोरस फॉर्मूला यूज कर पार जदि न आसता केमती कही था एक्यूट हम कि ऑब्ट्यूस हम से फंडा पाक आसो क्लियर नेक्स्ट इन एबीसी जे राइट एंगल ट्रायंगल गोटे राइट एंगल ट्रायंगल दे एबीसी हमको राइट एंगल अच्छे बी पाखे ओके ए बी माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू टू बी सी ए सी माइनस बी सी देन एंगल सी कैलकुलेट करो ये आम किसी भैल्यू तो देना साइन सी एंगल सी अच्छा ये जब मुझे साइन सी कही ना ये एंगलटा पचार साइन सी रैल्यू लिखी तेल कौन हम साइंस रे वैल्यू मते मिलिबो पी बाय एच ये होची पी ये होची एच ये होची पी तो मीन्स ए बी बाय ए बी बाय ए सी मिलिबो मते तो एठी ए बी रो वैल्यू मते मिलिबो ए बी रो वैल्यू मिलिबो मते ए सी साइंस क्लियर नेक्स्ट सिमिलरली जदि एठी मु कॉस सी कैलकुलेट करी कॉस सी मत मिल बी बाय एच तो बी सी बाय एस सी तो बी सी वैल्यू मिल एस सी
कोसी जो दुईटा भैल्यू मुझी ताकु नहीं पुट करी जो स्टेटमेंट मत देछि कौन ए बी माइनस बी सी होल स्क्वायर देछि ना तो ए बी जगह पुट करी ए सी साइन सी टिके पुट कर दोउची एक्चुअली कैलकुलेशन टिके लेंथी आसीबो ए बी माइनस बी सी होल स्क्वायर तो एटा हि जो ए सी साइन सी माइनस बी सी मीन्स हि जो ए सी कोस सी होल स्क्वायर इक्वल टू टू बी सी जगह पुट करी कौन ए सी कोस सी पुणी ए सी माइनस बी सी तो ए सी माइनस बी सी जगह पुणी पुट हम ए सी कोस सी बस एतिक ही पुट होउची तो एबे स्क्वायर करिबा स्क्वायर कले एटा आसीबो ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी माइनस टू ए सी स्क्वायर साइन सी कोस सी तो यहाँ कमन एलेटा हो कमन एलेटा हो सी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी वन हो राइट साइड पुणी गोटे एसी कमन आसो एसी स्क्वायर कैनसल हो बोले यार आंसर मुझे टेलीग्राम रे तुमको देदेवी टी लेंथी अच्छी कारण मुझे बहुत वे ट्राई कर मुझे आंसर पाखे पहुँचे जो तुम्हें किसी छोट आंसर कर टेलीग्राम सेयार कर ना मोर डिटेल सल्यूसन टेलीग्राम देदेवी ठीक अच्छे एक्जाक्टली 90 क्वेश्चन मुझे टी डिफिकल्ट फेल फेस कल क्वेश्चन कि सल्यूसन बाहर कर गोटे स्टेटमेंट आसो जो लास्ट पुणी डायरेक्ट आंसर मतलब मिले ना से कौन हम से स्टेटमेंट्रे से स्टेटमेंट्रे यूज करी हिट एंड टेल मेथड कौन एंगेलटा सैटिस्फाई करेंगे सेट आंसर मिले ठीक अच्छे थैंक यू।